नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो ई प्रमाण के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी रिसेंटली ये अपडेट हुआ है इस पोर्टल का, जो जिसमें आपको एक्चुअली जो भी सर्विसेज मिलती है, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज पॉसिबल है सरकार की तरफ से, वो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि कोई भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको उस राज्य या उस जो गवर्नमेंट होती है राज्य की, वहाँ जो भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं, वो आपको इस पोर्टल से आपको डायरेक्ट वहाँ पे विजिट कर सकते हैं या वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले होता था कि यदि आप जिस राज्य से बिलोंग करते थे उस राज्य के पोर्टल पे जा करके आपको सर्च करना पड़ता था या अप्लाई करना पड़ता था या पता करना पड़ता था। कोई भी जैसे कि कोई भी सर्विसेज है, सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ उठाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था। मान के चलो आप राशन कार्ड ही बनवाना चाहते हैं, तो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, या कोई भी एक ऐसी सुविधा है जो सरकार की तरफ से चालू हुई है राज्य सरकार की तरफ से, उसका फायदा या उसका लाभ उठाना चाहते थे, बट आपको सर्च करना पड़ता था या पोर्टल पे जाना पड़ता था इंडिविजुअल, मतलब राज्य सरकार के पोर्टल पे। लेकिन ई प्रमाण जो है ये ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आप सिर्फ आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आप अपने राज्य का जो डेटा है वो, या राज्य अपना सेलेक्ट करें जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं सरकार की, वो आपको दिख जाएंगी। डायरेक्ट वहां पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं या वो सुविधाओं के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी इंडिविजुअल हर सरकारी योजनाओं के लिए आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बकायदा आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे अभी ये लिखा हुआ है, ई प्रमाण इज ए स्टैंडर्ड बेस्ड नेशनल सिंगल साइन ऑन SSO प्लेटफॉर्म है विच फैसिलिटेट ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजर्स एसेसिंग वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन मोबाइल एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। तो हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली ये जो भी जितनी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट की इस मोबाइल पे अवेलेबल है, या आप अपने लैपटॉप पे इसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको क्या करना है, पहले आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा ई प्रमाण, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ई प्रमाण आपको लिखना होगा। जैसे ई प्रमाण लिखते हैं तो इस तरह का पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है। आप फर्स्ट, सेकेंड या किसी पे भी ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। तो प्रायोरिटी कोशिश करें फर्स्ट जो ऑप्शन है ई प्रमाण, उस पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही प्रमाण पे क्लिक करते हैं इस तरह का पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें गवर्नमेंट की सर्विसेज लिखी होती है, ये नेशनल ई ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। आप जैसे ही इसको ओपन करते हैं ये विंडो ओपन हो जाता है। आपको यहाँ देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक, आप इसमें जो लॉगिन करेंगे वो लॉगिन करने के लिए ऑप्शन है, एक तो है फिंगरप्रिंट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो कि आप बायोमेट्रिक से लॉगिन कर सकते हैं, एक तो है पासवर्ड बेस्ड। पासवर्ड बेस्ड मतलब आप पासवर्ड जनरेट करके इसको लॉगिन कर सकते हैं, एक तो है OTP जो मोबाइल या ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन जो डिजिटल के आप डिजिटली ऑथेंटिकेशन करके लॉगिन कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड जब आप पेपर पे जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं साइट्स में, स्ट्रॉन्ग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटेड यूजर प्रोवाइजिंग सिंगल ऑन साइन टू वे ऑथेंटिकेशन सिंगल विंडो एक्सेस, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन के नीचे जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं यूजर और डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो आपको यूजर पे क्लिक करना है। जैसे ही यूजर पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं ये तीन विंडो ओपन होकर के आ जाता है एक ही साथ में, जिसमें आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर पे आप मोबाइल के नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, और अदर्स में जो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड यूजर नेम में तो यूजर नेम और पासवर्ड यूज होता है, मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आपको पासवर्ड दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे बात करें फ्रेंड अदर की, अदर में ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट मेन प्रायर डॉक्यूमेंट बोला जाता है वो है आधार कार्ड,
आपका पैन कार्ड और DL ड्राइविंग लाइसेंस जिसे बोलते हैं, यहाँ पे इन तीनों के मतलब आप प्रेजेंस में इस तरह के जो पोर्टल है ई पहचान सिंगल ऑन साइन ऑन सर्विसेज, इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट पासवर्ड के थ्रू। बट यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे थोड़ा आते हैं बॉटम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूजर्स या साइन अप फॉर द मेरी पहचान। आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन करने के लिए, साइन अप करने के लिए, जो कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन अप फॉर ई पहचान लिखा हुआ है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर है, जनरेट OTP, आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करें जो रेगुलर यूज करते हैं। आप जनरेट OTP पे क्लिक करें, तो जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 6 डिजिट का OTP आ जाता है, वही OTP आपको मेंशन करके एक्टिवेट करना है आगे। फिर उसके बाद गिवन नेम, जो आप नेम देना चाहते हैं आपका नाम है आधार कार्ड में वो, यूजर नेम जो आप अपने मन से सोच सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं, पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर मस्ट बी कंटेंट कम्बिनेशन ऑफ अपर लोअर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जो आप पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड को इंटर करना होता है। उसके बाद बात करें फिर जेंडर के बारे में, जेंडर में ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जिस जेंडर से बिलोंग करते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी या फ्रेंड इसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो आधार कार्ड में होता है वही आपको यहाँ पे डेट जो DD के फॉर्मेट में है, डे मंथ और ईयर। पर्सनल मैसेज के बारे में फ्रेंड मैं बात करूँ कि दिस पर्सनल मैसेज विल बी डिस्प्लेड एवरी टाइम यू लॉग इन ई प्रमाण साइट, तो जब भी आप लॉग इन करेंगे फिर से कभी भी जनरेट होने के बाद साइन अप करने के बाद, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप पर्सनल मैसेज में डालेंगे तो वो ये वही आंसर देना पड़ेगा आपको। दिस इज ए ऑथेंटिकेट साइट ओनली फॉर द सेम पर्सनल मैसेज गिवन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन इज डिस्प्लेड, तो ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया हुआ है। प्लीज वैलिडेट द एक्सप्रेशन, जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन या कोई भी कैप्चा दिखता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे 1:1 लिखा हुआ है तो 1 ही यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक करना होगा। अभी हमारा रजिस्टर हो चुका है, हमें लॉगिन करना होता है, तो लॉगिन करने के लिए जैसे ही आप यदि रजिस्टर होता है ये आपका आ जाता है थैंक यू फॉर आप ई पहचान के लिए आपका रजिस्टर हो चुका है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप विंडो में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विंडो में आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सर्विसेज, आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरी सारी सर्विसेज दिख जाएंगी। सेंट्रल सर्विसेज देखना चाहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत सरकार के अधीन में जितने भी सर्विसेज आते हैं वो आपको सर्विसेज दिख जाएंगी। जितनी भी सर्विसेज हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल सर्विसेज, ऐप स्टोर, इंफॉर्मेशन, DPR सर्विसेज, राज सर्विसेज, एनिमल हजबेंड्री, एग्रीकल्चर से ऑल इंडिया आयुष का, एग्रीकल्चर से एक्सेस वेबसाइट से, अमृतसर से, या जो भी जितने भी सर्विसेज आपको दिख जाएंगी सेंट्रल से लेकर के गवर्नमेंट तक की सर्विसेज सारी है। बट यदि आपको मैं बता दूं फ्रेंड जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और उस वहाँ के स्टेट जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आप देखना चाहते हैं तो जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे स्टेट भी पूरी दिख जाएंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट पे क्लिक कर दें, क्लिक करते हैं फिर उसके सामने जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको दिख जाएंगी पूरी सर्विसेज। तो यदि आपको मान लो जो भी सर्विसेज क्लिक करना, तो मान के चलो आप मोबाइल सेवा सर्विसेज पे क्लिक करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से यदि प्रोवाइड किया जाता है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि स्टेट वाले पे जब भी जाते थे तो लॉगिन करना पड़ता था, बट यहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करें और जो भी सर्विसेज है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी आपको अदर लॉगिन या यूज़र ID बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंगल है ई पहचान पर आप डायरेक्ट रजिस्टर करके सारी सेंट्रल और गवर्नमेंट की सर्विसेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज आप डायरेक्ट जो भी ऑनलाइन अप्लीकेबल प्रोसेस है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं होती हैं। तो फ्रेंड यदि आपको ये मैंने जो वीडियो बनाया था, हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये मेंशन किया था कि जो कोई सर्विसेज ऐसा है जो सिंगल पोर्टल को हैंडल करता हो, जो भी सर्विसेज है स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उसी के बेस पे उनके रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाया था। फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। फ्रेंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।